हेलो फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 का एग्जाम होने हैं, इसी के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 देख रहे थे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उस सब आप सभी जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 13 फरवरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस और जीके के, उसको देखेंगे और समझेंगे कैसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है योजना वित्तीय समावेशन के लिए, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर पहले की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, तो यह क्या है, तो यह है कि 18 से 70 वर्ष के जो भारतीय हैं वे अगर किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हो जाता है या तो फिर अविश्वसनीय मौत हो जाती है तो उनको बीमा मिलेगा, और वह जिनको नॉमिनी दिए रहेंगे नाम उन्हीं को ये बीमा मिलेगा, और यह कितना मिलेगा, तो यह मिलेगा 2 लाख रुपये। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो यह क्या है, तो यह है वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार का एक प्रोग्राम है वित्तीय सहायता के लिए, और इसमें जो है लगभग सभी लोगों को बैंक खाता खोला जा रहा था, आप लोगों को पता हो गया है, और इसमें 28 अगस्त 2014 को यह योजना लागू किया गया था या लागू हुआ था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, तो यह क्या है, तो यह भी है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है भारत सरकार की, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन का जो उत्तर है वह है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की आत्मा या अंतरात्मा किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिया अधिसूचित भाषाएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार और संघवाद। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अधिसूचित जो भाषाएँ हैं वह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत में है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची, और उसके भाग जो है 17 में दिया गया है आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है यह हमारा भाषा है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता जो है वह भाग 2 में है संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 में आपको नागरिकता मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो यह भाग 3 के अंतर्गत में 12 से 35 आर्टिकल में ये आपको मौलिक अधिकार मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ संघवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलने से संघ का निर्माण होता है, तो यह इस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी आर अम्बेडकर, तो ये थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, ये आपको याद रखना। साथ ही साथ संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे ये हमारे राजेंद्र प्रसाद। के एम मुंशी के बारे में देखते हैं, तो के एम मुंशी जो थे यह संविधान सभा के सदस्य थे, ये याद रखना कि संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर जो थे वो तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ही, इसके अलावा ये जो थे प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वे कौन थे, उस समय संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, साथ ही साथ संघ शक्ति
समिति के भी अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी आर अंबेडकर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? यह एक प्रकार का उत्सव है और यह जो उत्सव है वह फसल कटाई से संबंधित है, फसल के कटाई से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया और ओणम, चार ऑप्शन दिए। इसमें जो इसका सही उत्तर है वह है ओणम, यह जो है शस्योत्सव है यानी कि फसल कटाई से संबंधित है। और अदर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो दशहरा जो क्या है, तो यह जब राम ने रावण को मार करके अन्याय पर जीत हासिल किए थे उस हिसाब से इसको मनाया जाता है। जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, साथ साथ अक्षय तृतीया जो है वह शुभ, इस दिन को शुभ माना जाता है और इस दिन जो भी पुण्य काम करते हैं तो वह कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। और ओणम जो है यही है इसका राइट आंसर, और ओणम है जो केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, साइंस से पूछा गया है हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो है गलत कथन कौन सा ये कह रहा है, नेत्रगोलक यानी आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है, या इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है और इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो यहाँ जो है उसके लिए जो सही उत्तर वह है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि आईबॉल में वृद्धि दोषों के कारण में से एक है, यह है इसका गलत बात। बाद बाकी जो है आसपास की वस्तुओं को ये हाइपरमेट्रोपिया में नहीं देख सकता, ये सही है। आँखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, ये भी सही है, और ये हाइपरमेट्रोपिया को ही दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो ये तीनों है सही बात, लेकिन गलत बात जो है वह है आईबॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। तो यह साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आसाम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? ये आसाम है, आसाम, तो ये ऑप्शन दिया हुआ बिहू, बगुरंबा, मंदजास और सत्रिया नृत्य, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर हुआ है मंदजास, ये जो है मंदजास है जो कि असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। बिहू तो आप लोगों को पता ही है, ये तो आप हमेशा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से। ये जो बगुरंबा है यह भी असम के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत में भी साथ ही साथ बोडो लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सत्रिय नृत्य जो है वह भी असम से संबंधित है और इसको 2000 मतलब वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो मंदजास है वह लोक नृत्य शैली नहीं है, और यह जो मंदजास है वह जम्मू कश्मीर में यह नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह होता है मंदजास। अगला क्वेश्चन देखते हैं सात नंबर पे, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे फूड चेन, इसमें से एक जीव दूसरे जीवों को खाते जाता है और इस प्रकार से यह खाद्य श्रृंखला बनता है। जैसे कि घास को कोई टिड्डा खा जाता है, टिड्डा को फिर कोई छिपकली खा जाता है, छिपकली को फिर वही कोई दूसरा जीव खाता है, तो इसी प्रकार से यह खाद्य श्रृंखला बनते जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ चील, शेर, सर्प और मनुष्य, तो यहाँ पे जो शीर्ष स्तर पर कब्जा कौन कर लेता है, तो यह कर लेता है मनुष्य, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में कह रहा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वह ऑप्शन मैं बता देता हूँ, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय, वर्ष में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला एथलीट, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य और खेल संबोधन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉर्पोरेट इकाइयाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालयों के बीच में होने वाला जो खेल होता है उसी में जो शीर्ष प्रदर्शन करता है उसी विद्यालय को यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, और यह जो होता है वह होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमियों की, व्यक्तियों की संख्या जो होती है उसी से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और यह जो है 2011 जनगणना के अनुसार में दिया गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो दिया है इसमें से इसका सही उत्तर है बिहार। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं बिहार में कितना है, तो बिहार में है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में इतना व्यक्ति रहते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है 535 व्यक्ति। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 829 व्यक्ति रहते हैं, और पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 1028 व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वह है बिहार राज्य में। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या 2011 से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, मतलब आवश्यक जीवन प्रक्रिया में से नहीं है? उत्सर्जन, संचारण, पोषण और प्रजनन। उत्सर्जन, ये आप लोग जान ही रहे हैं कि शरीर से कोई भी अवशिष्ट पदार्थों को निकालना, ये होता है उत्सर्जन, ये तो जरूरी है ही। पोषण जो है वह खान पान से रिलेटेड है, अगर हम लोग खाएंगे सही से, पोषण करेंगे तो ही हमारा शरीर अच्छा रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रजनन, ये अपने ही जैसे संतति को यानी अपने जैसे बच्चों को नई पीढ़ी के लिए तैयार करना होता है, जन्म देना होता है, तो ये भी राइट है, यानी कि ये भी आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। लेकिन ये जो संचारण है यह नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा संचारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? तो अवशिष्ट मामलों के बारे में बता रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि कानून बनाने का अधिकार किसमें है, किसको दिया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है केंद्र सरकार। तो अवशिष्ट मामलों पर जो कानून बना सकती है वह केंद्र सरकार बना सकती है, इसमें राज्य सरकार नहीं बना सकती है, उच्च न्यायालय भी नहीं बना सकती है जो कि राज्यों में होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है यह भी नहीं बना सकती है, लेकिन अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाता है कौन, केंद्र सरकार। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तो रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? तो रोहन बोपन्ना जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, टेनिस, शूटिंग, पैरा बैडमिंटन और कुश्ती। तो इसका जो सही उत्तर है वह है टेनिस। तो रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस से संबंधित है, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि वेस्टर्न घाट हिल्स जो है उसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन है? बाबा बुदनगिरी, महेंद्रगिरी, अनामुदी और दोदाबेटा, ये दिया गया है आपको, और इसमें से जो इसका सही उत्तर है वह है अनामुदी। तो ये अनामुदी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हम बात करते हैं ऊंचाई की, तो यह है 2696 मीटर, 2969 मीटर है इसका ऊंचाई, तो यह सबसे ऊंची है। अगर अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो बाबा बुदनगिरी की ऊंचाई जो है वह है 1895 मीटर, महेंद्रगिरी की जो है वह है 1501 मीटर, और यह ईस्टर्न घाट हिल्स का हिस्सा है ये महेंद्रगिरी, आपको ये भी याद रखना है। डोडा बेटा जो है इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो ये जो बाबा बुदन, फिर अन्नामुदी और फिर डोडा बेटा, ये वेस्टर्न घाट के हैं, लेकिन महेंद्रगिरी जो है वह ईस्टर्न घाट की है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा अन्नामुदी। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? यहाँ पर भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट कर सकते हैं, डाक विभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्तीय समावेशन विभाग और लेखा संबंधी मामलों का विभाग। तो इसमें जो सही उत्तर है इसका है डाक विभाग, यानी कि पोस्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप लोग सुने ही होंगे, सुनते ही हैं, तो इसी का उसका सही उत्तर हो जाएगा डाक विभाग के द्वारा आप लोग भुगतान बैंक का संचालन कर सकते हैं, ये भारत सरकार का है, तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा डाक विभाग। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे, यानी कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? ये आप लोगों को याद होगा कि भारत की पहली मुस्लिम
शासिका, पहली मुस्लिम शासिका, इन्हीं का नाम है रजिया सुल्तान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इनके पिता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनके जो पिता हैं वह हैं इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो मोहम्मद तुगलक जो है वह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे। इसी का अन्य नाम जो था यानी कि ओरिजिनल नाम था जूना खां, ये है मोहम्मद तुगलक। इसके अलावा में बलबन की बात करते हैं, तो बलबन जो है वह भी गुलाम वंश का एक शासक था और इसे न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता था, न्यायप्रिय शासक, ये भी आपको याद रखना है। ये भी दिल्ली सल्तनत से ही यह संबंधित है। इसके अलावा में जो इल्तुतमिश है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो गुलाम वंश का संस्थापना हुआ था उसी का यह एक महत्वपूर्ण शासक हुआ बाद में, और ये रजिया सुल्तान के पिता थे, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये कैकुबाद के बारे में, तो कैकुबाद जो था वह भी एक दिल्ली सल्तनत का शासक था और इसी को बाद में मार करके खिलजी वंश का स्थापना हुआ था, तो इसी को मारने के बाद में खिलजी वंश का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन जो है रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है और ये कौन सा संगठन है, यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और UNDP। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं यूनेस्को का, तो यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है मुख्यालय हुआ कहाँ है, वह है पेरिस में, वह पेरिस में है। और साथ ही साथ यह 1945 में इसका स्थापना किया गया है। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यह होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखना होगा, यूनेस्को से भी क्वेश्चन बनता ही है। साथ साथ विश्व बैंक की बात करते हैं, तो विश्व बैंक जो है वह वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसको 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर हम इधर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यानी कि IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो यह भी है वाशिंगटन DC में, इसका इस्टेब्लिश हुआ है 1945 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि विश्व के जो प्रमुख संगठन है उसके जानकारी को आपको ध्यान में रखना ही है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। UNDP की बात करते हैं, तो UNDP जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में और यह 1965 में इसका इस्टेब्लिश किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन जो है 16 नंबर का, उसका राइट आंसर है हमारा विश्व बैंक, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, तुंगभद्रा, काली सिंध और कृष्णा नदी। इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर है वह है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी में ही प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। दोस्तों कावेरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में इसे को जाना जाता है। और दोस्तों अगर हम तुंगभद्रा नदी की बात करें तो यह दो नदियों के मिलने से बना है, दो नदियों के मिलने से बना है, तुंग और भद्रा नदी, और यह नदी कर्नाटक राज्य में बहता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काली सिंध नदी जो है यह यूपी में बहती है, सॉरी MP में बहती है यह नदी और जाकर के चंबल में मिल जाती है यह काली सिंध नदी। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में, तो यह महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो वह है भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ होती है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो यह बनाती है कावेरी नदी, ये आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? यह क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ कुंतासी, बुर्ज होम, कोल्दी हुआ और मेहरगढ़। इसका सही उत्तर हुआ है कुंतासी, यह एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यह हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल है, ये कुंतासी। लेकिन ये जो तीनों हैं बुर्ज होम, कोल्दी हुआ और मेहरगढ़, ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल हैं। दोस्तों ये जो है बुर्ज होम यह जम्मू कश्मीर में है, कोल्दीहुआ जो है यह यूपी में स्थित है, और मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान, अभी के जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, आप सुने होंगे नाम, तो बलूचिस्तान में यह मेहरगढ़ पाया जाता है, यानी कि मेहरगढ़ स्थल है। तो ये तीनों जो है नवपाषाण प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थल हैं, लेकिन ये जो कुंतासी है वह नहीं है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यानी कि जो पत्तियां होती है वो तने के साथ में जुड़ा हुआ होता है इस जगह पे, जैसे कि फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पे जुड़ा होता है, तो यह कौन सा भाग होता है? तो यह भाग होता है डंठल। तो डंठल के मदद से ही पत्तियां तने के साथ में जुड़ी होती है। बाद बाकी जो नस होती है ये मानव शरीर से संबंधित है, पत्रतल और अनुपर्ण जो होती हैं यह पौधे के पुष्प भाग में स्थित, ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो डंठल है वह तने से जुड़ा हुआ रखता है पत्ते को, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है कह रहा है, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन देकर के आपको छका सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया, यह एक दूसरे के प्रति परमाणु प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया, ये बिल्कुल सही बात है, यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के आकर्षण बल के लिए जिम्मेदार है, कोई दो वस्तु होते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह बात भी सही है। ऑप्शन नंबर जो तीन है, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको जाना हो कि एफ बराबर जो होता है वह जी एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर होता है, यानी कि यह दूरी के वर्ग के स्क्वायर होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये तो द्रव्यमान के प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, एम वन एम टू ये तो दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जबकि यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों समानुपाती में एफ के साथ में ये जो उत्पाद हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है। सी नंबर में यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये वर्ग दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो देखिए बट्टा में यानी कि बाई में है, तो इसी कारण से यह बात भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के क्रमानुपाती होता है। तो यह साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ करके आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक दिया हुआ है बीकमिंग, इसके जो लेखक कौन है यह क्वेश्चन पूछ रहा है। 13 मई, मिशेल ओबामा, मिलेनिया ट्रंप और शशि थरूर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस पुस्तक का जो राइट आंसर है, लेखक जो है वह है मिशेल ओबामा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जो मिशेल ओबामा हैं वह अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, तो इनकी पत्नी है ये मिशेल ओबामा, तो इन्हीं के द्वारा यह बीकमिंग पुस्तक लिखा गया है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा में अगर आप बात करते हैं मेलेनिया ट्रंप, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है और इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया है, तो यह जो बुक है उसको लिखा है कोई स्टेफनी वालकॉफ नाम की एक महिला, और इसमें जो बुक का नाम है हुआ है मिलेनिया एंड मी, ये ऐसे बुक करके लिखा हुआ है जो कि मिलेनिया ट्रंप से संबंधित है। और ये जो शशि थरूर हैं यह इंडियन राइटर हैं, और इनके द्वारा द ग्रेट इंडियन नोवेल, साथ ही साथ में हवाई आई एम ए हिंदू, इस प्रकार के बुक लिखे गए शशि थरूर के द्वारा। लेकिन हमें ऑप्शन जो देखना है बीकमिंग पुस्तक लेखक है, तो यह है मिशेल ओबामा, ये याद रखना है, पुस्तक और लेखक से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसमें स्वराज ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और इसमें विदेशी जो वस्तुएं थी उनको बहिष्कार किया जा रहा था, स्वदेशी चीज़ों का ही जोर दिया जा रहा था, उसी का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा था। तो ये राष्ट्र स्वराज ध्वज है उसका डिजाइन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर जानना है तो यह है कि इन्हें गुरुदेव की उपाधि भी दी गई थी, साथ ही साथ में ये नोबल पुरस्कार विजेता भी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वह एक प्रसिद्ध चित्रकार यानी कि पेंटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे यह एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, और इसके अलावा ये स्वतंत्रता के सेनानी भी थे, तो ये ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी का हाल ही में सेवेलिया डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया, यानी कि ये पुरस्कार इनको मिला है, तो यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? ये आपको पूछा गया है। तो यह किस देश से रिलेटेड है और उस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर है यानी कि सेवेलिया डे ला लीजन डी ऑनर जो है वह फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो यह फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान मिला है किसे? तो अजीम प्रेम जी को मिला है, तो ये आप याद कर लेंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा में अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी का जो है सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान वह है संघीय गणतंत्र का आदेश, यह होता है इसका उच्चतम नागरिक सम्मान। स्पेन की अगर बात करते हैं तो यह होता है इसाबेला, इसाबेला का आदेश कैथोलिक, यह होता है उस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का जो है उच्चतम नागरिक सम्मान वह होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह होता है ब्रिटेन का। तो ये जो अजीम प्रेम जी हैं इनको सेवेलिया डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया, तो यह है फ्रांस का सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो पैलेस नहीं है इसमें से कौन? भीमबेटका शैलाश्रय, अजंता की गुफाएं, आदमगढ़ शैलाश्रय और आगरा का किला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आदमगढ़ शैलाश्रय, यह विश्व विरासत स्थल नहीं है। बाद बाकी ये जो तीनों हैं वे आपको विश्व विरासत स्थल में मिल जाएंगे। दोस्तों भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है और आगरा किला जो है यह यूपी में है, ये आपको याद रखेंगे। दोस्तों अभी की अगर वर्तमान में बात करते हैं तो भारत में टोटल 40 जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं, और जो सबसे नया बना है विश्व विरासत स्थल उसका नाम है धौलावीरा, धौलावीरा यह नया है एकदम सबसे नया, यह भी आपको करंट अफेयर्स में याद कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रय। अगला क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता, खेल, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण स्वच्छता। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि SSC में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, GD जो एग्ज़ाम 2021 में होने हैं। दोस्तों आप लोग पिछली वीडियो में भी जा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने बताया था वो आप लोग देख सकते हैं।